भजन संहिता अध्याय 62। भजन संहिता अध्याय 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सास से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी तुम उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी ही है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके उसके काम के अनुसार फल देता है।